आज हम बना रहे हैं आम का मानी। तो इसके लिए हमने आम ले लिए हैं, पहले सबसे हमने धो के ले लिए अच्छे से। इसके हम ऊपर से छिलके ऐसे करके ऊपर से काट देंगे। हमने आम को अच्छे से ऊपर से काट लिया है। अब हमने गर्म पानी होने रख दिया। अब हम इसमें आम को पानी में डाल देंगे। अब हमने पानी में इसको अच्छे से उबाल लेना है। अब ये हमारे आम अच्छे से उबल गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हमने इसको चेक करके दिखाएंगे। ये देखो हमारा आम अच्छे से उबल गया है। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे, फिर इसका मानी बनाएंगे। ये हमारे आम ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें जो पानी उबाला था हमने वो निकाल दिया। अब हम ऊपर से इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हमने इसके आम जो है इसका अब हम ऐसे छिलका निकाल के इसका हमने ऐसे निकाल लेंगे ऐसे करके। और ये जो इसका है ये अंदर और ऐसे करके हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसका गाढ़ा गाढ़ा रस बना लेना है इसका ऐसे करके। ऐसे करने हमने पूरे आम को ऐसे हमने निकाल लेना है, छिलका हम इसका निकाल लेंगे। अब ये जो कोआ है इसका भी हमने ऐसे करके इसको मसल के इसका ऐसे निकाल लेना। और जो हमारी गुटली है वो हम ऐसे इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के आम के छिलके भी हम निकाल लेंगे। और ऐसे ही हमने इसका पूरा गुद्दा निकाल लेना है, रस बना लेना है इसका। हमने आम का अच्छे से गुद्दा निकाल लिया। आप इसको हाथ से भी मसल सकते हैं और एक मिक्सी का जार लेके भी इसमें भी मिक्सी में इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है, हमने दरदरा पीसा है। अब हम इसको उसी बाउल में निकाल लेंगे। हमने मानी बनाने के लिए जो सामग्री ली हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हमने छोटा प्याज छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। पुदीने के पत्ते लिए हैं, हमने इसको बारीक करके काट लेना है। और हमने मरुआ के पत्ते लिए हैं, मरुआ भी बोलते हैं इसको और भाबड़ी भी बोलते हैं, इसको भी हमने बारीक करके काट के ले लेना है। चिल्ली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक, 2 बड़े चम्मच चीनी और जीरा पाउडर आधा चम्मच। हम मानी बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज लिया है छोटे टुकड़ों में वो डाल देंगे ऐसे करके। फिर हमने जो मरुए के पत्ते लिए थे वो हमने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। पुदीना पत्ते, अगर आपके पास ये ना हो तो आप हरा धनिया भी इसमें काट के डाल सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक, चीनी, जीरा पाउडर सब हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने मानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बहुत ही स्वाद बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी एक बार ये मानी आम का बना के देखना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार ये मानी बना के जरूर ट्राई करें। आप एक बार बनाओगे तो बार बार बना के खाओगे। अब हम एक बोल में इसको निकाल लेंगे ऐसे करके। देखो कितना अच्छा बना हुआ हमारा आम का मानी। ऐसे करके हम अब ये हमारा मानी खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपको मेरे ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।